आज दिल्ली से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हल्की बुखार के साथ गले में खराश का मामला सामने आया है। इसकी पुष्टि आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता ने की है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल खुद को आइसोलेट कर चुके हैं और उन्होंने अपने साथ होने वाली सारी मीटिंग्स रद्द कर दी है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार कल यानी मंगलवार को केजरीवाल का कोरोना टेस्ट होगा। हम आपको बताते चलें कि रविवार को ही केजरीवाल ने एक महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए दिल्ली के सारे बॉर्डर को खोलने का फैसला किया था और दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली वासियों का ही इलाज की घोषणा की थी। इसके अलावा केंद्रीय अस्पतालों में ही दिल्ली से बाहर के लोगों का इलाज हो सकता है, ऐसा केजरीवाल ने ऐलान किया था। कहते हैं कर भला तो हो भला, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल ने पक्षपात की राजनीति करते हुए दिल्ली के अस्पतालों को केवल दिल्ली वालों के लिए ही खोलने का ऐलान किया, शायद इसी फैसले ने इन्हें ऐसी मुसीबत में डाल दिया। क्योंकि जब दिल्ली देश की राजधानी है और देश के सभी हिस्से पर समस्त देशवासियों को आने जाने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, तो फिर केजरीवाल ऐसा निर्णय लेने से पहले इस मामले पर मंथन क्यों नहीं किए? यदि वो आज मंथन किए होते तो उन्हें ऐसे आरोपों को झेलना नहीं पड़ता। इस बीच सवाल भी उठता है कि यदि दिल्ली के अस्पतालों में केवल वहीं के निवासी इलाज करवा सकते हैं तो फिर बिहार झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लोग कहां जाएंगे जहां पर उच्च स्तरीय अस्पतालों की सुविधा नाम मात्र की है। और वैसे हमारे देश की संस्कृति भी वसुधैव कुटुंबकम का अनुसरण करती है, फिर केजरीवाल जी क्यों भूल गए कि दिल्ली सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए नहीं बल्कि समस्त भारतवासियों के लिए। अंग्रेजी हुकूमत के समय छोटी छोटी रियासतों में बटे रहने के कारण हमारा अखंड भारत खंड खंड में बटा हुआ था और आज भी कुछ ऐसे विचार वाले लोगों के कारण हमारा देश अखंड भारत की जगह पर दिल्ली पंजाब बिहार के पहचान के रूप में जाना जा रहा है, जो हमारे हिंदुस्तान के लिए सही संकेत नहीं है।